हेलो एवरीवन, मेरा नाम मीना शर्मा है। मैं आज फिर आप सबके साथ हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, जो कि क्लास 10th के चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से ही रिली गई है। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर को आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जिससे आपको इस चैप्टर को पढ़ने में, इसको समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। इससे पहले भी मैंने अपनी एक वीडियो शेयर की है यूट्यूब पर, शायद आपने देखी होगी। आप उसे भी देखें और इस वीडियो को भी देखें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी आपके कमेंट हैं वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर दे सकते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, टू हुम मंडेला कंपेयर्स मैंस गुडनेस। जो मैन की गुडनेस है, ह्यूमन बींग की जो गुडनेस है, मंडेला ने उसे किसके साथ कंपेयर किया है? ऑप्शंस आर देयर, थ्री ऑप्शंस आर देयर। द वेरी फर्स्ट इज फ्लेम, ऑप्शन बी आइस, ऑप्शन सी सैंडस्टोन। तो मैन की जो गुडनेस है उसे मंडेला ने कंपेयर किया है ऑप्शन ए फ्लेम के साथ, कि जो ह्यूमन गुडनेस है वो एक फ्लेम की तरह है जिसे आप बुझा नहीं सकते हैं, छिपा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये क्या है? तो हम इसको देखेंगे। ऑप्शंस आर देयर, ऑप्शन ए नेम ऑफ हिज कम्युनिटी, उसकी कम्युनिटी का कोई नेम है, नेम ऑफ हिज पार्टी, उसकी पार्टी का नेम है, या नेम ऑफ हिज कॉलेज, उसके कॉलेज का एक नेम है। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ये किसी कॉलेज का नेम नहीं है, ये ना ही ये किसी कम्युनिटी का नेम है, बल्कि ये नेम है नेल्सन मंडेला की पार्टी का, जिसने अपार्थाइड सिस्टम के लिए लड़ाई लड़ी थी और वाइट स्किन पीपल लोगों का जो रूल था, उसकी सुप्रीमेसी थी, उसको ख़त्म करने के लिए फाइट की थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी सीट्स आर वन बाय ANC। अब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी, उसने जब डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए, जो कि फेयर इलेक्शंस थे साउथ अफ्रीका में, तो उसने कितनी सीटें जीती थी आउट ऑफ 400? टोटल जो सीटें थी वो 400 थी, उसमें से कितनी सीटें इसने जीती थी? तो ऑप्शंस आर देयर, ऑप्शन ए 152, ऑप्शन बी 401, ऑप्शन सी 252। तो क्योंकि टोटल सीट कितनी थी, 400 टोटल सीटें थी, तो उन्होंने जो सीटें जीती थी, जीतने के लिए जितनी सीटें चाहिए थी, तो 200 सीटें चाहिए, इसका मतलब 150 तो नहीं हो सकता, अगर 50% भी हम काउंट करें तो। उन्होंने जो जीती थी, ANC पार्टी ने जो सीट जीती थी नेल्सन मंडेला की, वो सीटें थी ऑप्शन सी 252 सीट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 252 सीट्स आर वन बाय अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर हाउ मैनी ईयर्स नेल्सन मंडेला हैड बीन इन जेल। कितने सालों तक नेल्सन मंडेला जेल में रहे थे? थ्री ऑप्शंस आर देयर, ऑप्शन ए फॉर 30 ईयर्स, ऑप्शन बी फॉर 15 ईयर्स, ऑप्शन सी फॉर 20 ईयर्स। तो हमारा जो राइट ऑप्शन रहेगा कि नेल्सन मंडेला जेल में अपनी फ्रीडम फाइट। फॉर दिस क्वेश्चन थ्री ऑप्शंस आर देयर, ऑप्शन ए फॉर 30 ईयर्स, ऑप्शन बी 15 ईयर्स एंड ऑप्शन सी 20 ईयर्स। मीन्स फॉर हाउ मैनी ईयर्स नेल्सन मंडेला हैड बीन इन जेल, कितने सालों तक नेल्सन मंडेला जेल में रहे थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, नेल्सन मंडेला हैड बीन इन जेल फॉर 30 ईयर्स, 30 सालों तक जेल में रहे थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ विच बुक ऑफ मंडेला। ये जो चैप्टर है ये नेल्सन मंडेला की कौन सी बुक का एक एक्सट्रैक्ट है, एक भाग है? तो यहाँ रहेगा, थ्री ऑप्शंस आर गिवन देयर, ऑप्शन ए लॉन्ग वॉक टू प्रेसिडेंट हाउस, प्रेसिडेंट हाउस की तरफ लंबी यात्रा, लॉन्ग वॉक टू स्ट्रगल, स्ट्रगल के लिए लंबी यात्रा, और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, फ्रीडम के लिए लंबी यात्रा। जैसे कि ये चैप्टर में स्टार्टिंग में भी लिखा हुआ है, इन द विद द नेम ऑफ दिस चैप्टर, ये जो चैप्टर है ये नेल्सन मंडेला की बुक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का एक एक्सट्रैक्ट है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का एक एक्सट्रैक्ट है, एक भाग है, जो कि एक इनका एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की एक ऑटोबायोग्राफी है जो इन्होंने खुद लिखी थी। तो जो चैप्टर है ये भी एक एक्सट्रैक्ट है नेल्सन मंडेला की बुक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज स्वॉर्न इन फर्स्ट ऑफ ऑल इन इनॉग्रेशन सेरेमनी। हु वाज स्वॉर्न इन फर्स्ट ऑफ ऑल इन इनॉग्रेशन सेरेमनी, से इनॉग्रेशन सेरेमनी में सबसे पहले किसने शपथ ग्रहण की थी? ऑप्शन आर देयर, ऑप्शन ए थैबो मबेकी, बी नेल्सन मंडेला, सी मिस्टर डी क्लर्क।
तो जो थैबो मेबेकी हैं वो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे, नेल्सन मंडेला वॉज प्रेसिडेंट, एंड मिस्टर डी क्लर्क जो कि सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने सबसे पहले शपथ ग्रहण की थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, मिस्टर डी क्लर्क ने सबसे पहले शपथ ग्रहण की थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉज थैबो मेबेकी, हु वॉज थैबो मेबेकी, थैबो मेबेकी वॉज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट थे, वो मेबेकी पहले डिप्टी प्रेसिडेंट थे क्योंकि जो सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट मिस्टर डी क्लर्क थे, फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट थे वो मेबेकी और प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हु टोट मंडेला द रियल मीनिंग ऑफ करेज, हु टोट मंडेला द रियल मीनिंग ऑफ करेज, जो करेज है उसका रियल मीनिंग के बारे में मंडेला को किसने सिखाया। ऑप्शन आर दे, और ऑप्शन ए हिज फैमिली, उसकी फैमिली ने, हिज कॉमरेड्स उसके साथियों ने, और हिज पीपल उसके लोगों ने। नाउ थ्री ऑप्शंस आर, इसके थ्री ऑप्शंस हैं कि उसकी फैमिली ऑप्शन है, हिज कॉमरेड्स उसके साथी, या उसके लोग। तो यहाँ इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, हिज कॉमरेड जो कि उसके फ्रीडम फाइटर्स के साथ थे, उन्होंने उसके मीनिंग का करेज बताया कि मीनिंग का, कि करेज का मतलब क्या होता है। करेज का मतलब होता है कि आप जो फियर है वो सिर्फ उसका ना होना ही नहीं, एब्सेंस ऑफ फियर ही करेज नहीं है, बट इसके ऊपर विजय पाना करेज कहलाता है एक्चुअल में। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू मंडेला हु इज अ ब्रेव मैन, अकॉर्डिंग टू मंडेला हु इज अ ब्रेव मैन, एक ब्रेव मैन कौन है मंडेला के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शंस आर देयर, ऑप्शन ए हु कॉन्कर्स वाइट सुप्रीमेसी, जिसने वाइट सुप्रीमेसी को विजय कर लिया है, हु कॉन्कर्स सफरिंग, जिसने सफरिंग्स को जीत लिया है, और हु कॉन्कर्स फियर। तो यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, हु कॉन्कर्स फियर, जिसने डर को जीत लिया है वही एक ब्रेव मैन कहलाता है अकॉर्डिंग टू मंडेला। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज करेज, करेज का मीनिंग क्या है, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंथ कि आपके पास ताकत होना है, प्रेजेंट टाइम फॉर फियर, फियर के ऊपर जीत हासिल करना, और एब्सेंस ऑफ फियर या कि डर का ना होना करेज कहलाता है। तो इसके ऑप्शंस रहेंगे, ऑप्शन थ्री ऑप्शंस आर देयर कि प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंथ है, टाइम फॉर फियर है, या एब्सेंस ऑफ फियर। व्हाट इज करेज, करेज क्या कहलाता है। तो इसमें आ जाएगा, करेज का मीनिंग होता है कि यस, ये नहीं है कि आपके अंदर डर का न होना ही करेज नहीं होता है, बल्कि उस डर के ऊपर विजय प्राप्त कर लेना ही एक्चुअल में करेज कहलाता है। तो टाइम फॉर फियर मीन्स ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो हेयर योर दिस क्विज ऑफ चैप्टर 2 इज कम्प्लीटेड। इससे पहले भी मैंने एक क्विज डाली है जो कि जिसमें 10 क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की है, उसका लिंक आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। अनदर यू हैव टू वॉच द वीडियो केयरफुली, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई वीडियो फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोज़। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।